गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में नया कुछ सीखेंगे। सर, पिछले क्लास में हमने आपको फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस किए थे, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर कर चुका था सर, दो क्वेश्चन उसमें और बच गया, तो उसको करते हुए उसके बाद हम लोग कंपोजिशन एंड फंक्शन, जो कि नया टॉपिक होगा फंक्शन में ही, कंपोजिशन और फंक्शन में क्या पढ़ेंगे सर, वहां दो फंक्शन को, कंपोजिशन का मतलब होता है ऐड करना, कि दो फंक्शन को कैसे ऐड किया जाता सर उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्टली अभी हम लोग रिमेनिंग जो दो क्वेश्चन बच गया उसको डिस्कस करते हुए आगे फंक्शन, कंपोजिशन और फंक्शन पे आएंगे। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन रिमेनिंग बच गया सर, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा सर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा लेट फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, मैप कर रहा रियल नंबर टू रियल नंबर, बी डिफाइंड एज एफ एक्स गिवन है सर। तो आप नोट कर लीजिए कि फंक्शन मैप कर रहा रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स क्या है सर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 है। आपको बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन के फॉर्म में दिया सर कि आपका फंक्शन 1-1 होगा, ऑन टू होगा, यस मेनी 1 ऑन टू होगा, या फंक्शन 1-1 बट नॉट ऑन टू, या फंक्शन इज नाइदर 1-1 नॉन ऑन टू। तो हम लोग चेक कर लेंगे सर कि हमारा फंक्शन 1-1 है या ऑन टू है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, 1-1 के लिए करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि कैसे बनेगा सर। यह फंक्शन मैप कर रहा रियल नंबर टू रियल नंबर और एफ एक्स गिवन है, तो 1-1 के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, याद होगा कि लेट एक्स वन एंड एक्स टू, लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी टू आर्बिट्री एलिमेंट सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। एक्स वन कितना होगा सर, अगर एक्स के प्लेस पे एक्स वन होगा तो एक्स वन पे पावर 4 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। अब यहाँ पावर इवन है सर, गौर कीजिएगा, याद कीजिएगा कॉन्सेप्ट को, कि अगर पावर इवन हो और यहाँ रियल नंबर टू रियल नंबर हो सर, तो एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू होगा सर। लेकिन अगर नेचुरल नंबर होता सर तो हम लोग एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू लिख सकते थे, यहाँ क्या है रियल नंबर है। तो हम आपको बताए थे कि रियल नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है सर, तो माइनस वन पे पावर 4 रहे सर या 1 पे पावर 4 रहे, दोनों का इमेज क्या होगा सर, सेम ही होगा ना, इसीलिए क्या होगा एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू होगा सर। ये सेट में है ए और बी, पावर इवन होने से क्या होगा, माइनस का भी पावर 4 करेंगे तो प्लस आएगा और प्लस का तो प्लस होगा ही सर। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट 1-1। तो एक तो क्लियर हो गया सर कि फंक्शन 1-1 नहीं होगा। अब हम लोग ऑन टू के लिए काम करेंगे सर, फॉर ऑन टू, ऑन टू में क्या जानते हैं, लेट करते हैं फर्स्टली लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और हमारा एफ एक्स क्या गिवन है सर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 है, एफ एक्स के प्लेस पे वाई लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अब क्या चाहिए हमको, एक्स इज इक्वल टू चाहिए, क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो 4 रूट ऑफ वाई, यही होगा ना, जैसे स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट, क्यू रहता तो क्यू रूट, यहाँ 4 है पावर से तो 4 रूट। अब यहाँ पे देखना है कि वाई में क्या क्या इनपुट करें, वाई में क्या क्या इनपुट करें कि हमारा जो आउटपुट आएगा सर, एक्स जो आएगा सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ गौर से फिर से देखेंगे, ये हमको एक्स को सेटिस्फाइड करता है, ये वाई, तो वाई भी रियल नंबर है सर और एक्स भी रियल नंबर है, तो वाई रियल नंबर इट मीन्स इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ सकता है, पॉजिटिव रखेंगे तब तो काम बनेगा सर, रियल आएगा, लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू पुट कर दिए सर तो काम दिक्कत कर देगा। क्यों, आप पुट कर कैसे देख सकते हैं, अगर x इज इक्वल टू क्यू रूट ऑफ y का वैल्यू अगर -2 रख दिए सर तो वो कौन सा नंबर देगा,
वो इमेजनरी नंबर दे देगा सर, क्योंकि रूट में अगर वैल्यू नेगेटिव रहे तो वो क्या होता वो नेगेटिव होता है और वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा सर। हम लोग लिखेंगे ए पुट y इज इक्वल टू माइनस टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू, ये तो बिलोंग्स कर रहा है सर रियल नंबर को, बट x इज इक्वल टू फोर रूट ऑफ माइनस टू डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर को बिलोंग्स नहीं कर रहा है सर। या इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि सेट v, सेट a और सेट v की तरह कि सेट v का प्री इमेज सेट a में नहीं है। तो यहां लिखेंगे फंक्शन इज नॉट ऑन टू, हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। अब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा सर? ऑप्शन डी होगा सर। ऑप्शन डी में बोला है कि फंक्शन नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन ना ही हमारा वन वन है और ना ही ऑन टू आया सर, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नाइदर वन वन नॉन ऑन टू। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या है सर आपसे पूछ रहा है, लेट फंक्शन मैप कर रहा रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन कहां से कहां मैप कर रहा सर, रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफएक्स गिवन है सर, एफएक्स इज इक्वल टू 3x, आपको यहां बोल रहा है, यहां भी 4 ऑप्शन दिया हुआ, चूज द करेक्ट आंसर, आपसे पूछ रहा है कि फंक्शन 11 ऑन टू होगा, मेनी 1 ऑन टू होगा, कि फंक्शन 11 बट नॉट ऑन टू होगा सर, या फंक्शन इज नाइदर 11 नॉर ऑन टू होगा। तो यहां भी हम लोग चेक कर लेंगे सर कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, यहां इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर, सेम उसी तरीका से लेट x1 एंड x2 बी टू आर्बिट्री एलिमेंट such that fx1 is equal to fx2, x1 के प्लेस पे जाएगा सर 3x1 is equal to 3x2, 3 कैंसिल हो गया सर, x1 is equal to x2 आ गया, जब x1 is equal to x2 आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन इज 11, तो फंक्शन तो 11 हो गया सर। अब ऑन टू के लिए देखेंगे, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, लेट fx इज इक्वल टू y, तो हमारा क्वेश्चन गिवन है फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू 3x, fx के प्लेस पे y पुट करेंगे सर इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर यहां से x इज इक्वल टू y/3। अब इसमें देखना है कि हर एक y के लिए x सेटिस्फाइड कर रहा है सर, x आपका रियल नंबर भी है और y भी आपका रियल नंबर है, तो आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो उसके लिए एक्स रियल नंबर देगा सर, देगा। आप यहाँ निगेटिव वैल्यू रखिए या पॉजिटिव वैल्यू रखिए सर, या फ्रैक्शन में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेटिस्फाइड करेगा, यहाँ पे एक्स हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे फंक्शन इज ऑन टू, देयरफॉर यहाँ क्या हो गया मेरा फंक्शन 11 भी है और ऑन टू भी हो गया सर, तो कौन सा ऑप्शन उसमें से होगा, तो लिखेंगे फंक्शन इज 11 एंड ऑन टू, जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया है कि फंक्शन इज 11 एंड ऑन टू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नोट कर लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसी में रिलेशन एंड फंक्शन का ही नेक्स्ट टॉपिक है सर, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है सर, कंपोजिशन का मतलब होता है ऐड करना बाबू, यहाँ पे फंक्शन को एक साथ मिलाना है सर, ऐड करना है, उसी को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शन गिवन होगा आपको और उसको क्या करना होगा, मिलाना होगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए इसमें कुछ फॉर्मूला टाइप से सिंबल है
उसके बारे में जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे सर, और इससे हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो आपको इस टाइप से गिवन रहेगा एफ ओ जी, और कहीं कहीं एक्स लिखा रहेगा ऐसा एफ ऑफ जी, ये एफ है, एफ ऑफ जी एक्स इस टाइप से रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है सर, ये तो एफ ही है, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट दे देंगे सर, और ये जी एक्स इस टाइप से आ गया इसके अंदर। लेकिन कहीं कहीं क्या रहेगा, सिर्फ ऐसे दिया रहेगा एफ ओ जी, इसका मतलब भी वही होता है सर। तो आप इसका मतलब भी क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ओ का मतलब ऑफ ब्रैकेट जाएगा, और ये जी ऑफ एक्स अपने खुद से लिख लेंगे। तो कहीं कहीं ये और कहीं ये भी रहेगा, दोनों का मतलब सेम ही होता है सर। इसी तरीका से जैसे एफ ओ जी है, जी ओ एफ लिखा हो रहेगा, जी ओ एफ गॉफ, तो वहां क्या होगा, जो फर्स्ट में रहेगा उसको सेम एच, ओ का मतलब ऑफ ब्रैकेट जाएगा सर, और एफ ऑफ एक्स इस तरीका से लिखेंगे। कोई और भी फंक्शन हो सकता है एच ऑफ एफ, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर, ओ का मतलब ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, यहां एफ ऑफ एच रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, इस टाइप से लिखेंगे सर, ठीक है। ये आपका सिंबल हो गया, इसको नोट करने के लिए इस सर हम लोग कैसे इससे काम करेंगे। अब इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है। यहां पूछेगा फाइंड करना है, फाइंड है, फर्स्टली गिवन रहेगा दो फंक्शन, एफ एक्स गिवन है 2x+3, एक और फंक्शन गिवन है सर जी एक्स, वो गिवन है x²+5। हम बताए हैं कि मिनिमम दो फंक्शन हो सकता है, यहाँ एफ एक्स और जी एक्स गिवन है, आपको फाइंड करने बोला है, फाइंड एफ ऑफ जी फर्स्ट है, सेकंड में पूछा है जी ऑफ एफ, थर्ड में पूछा है एफ ऑफ एफ, और फोर्थ में पूछा है जी ऑफ जी। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो आप एफ ऑफ एफ नहीं लिखे, तो नोट कर लेंगे, एफ ऑफ एफ का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ब्रैकेट एफ ऑफ एफ एक्स, और अगर जी ऑफ जी एक्स होगा सर तो इसको भी नोट कर लेंगे, जी ऑफ जी का मतलब क्या होगा ये। अब यहाँ पे क्या है, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लिए लिखे हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन गिवन है सर, एफ एक्स और जी एक्स गिवन है। आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ जी, जिसको एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ और जी ऑफ जी। फर्स्टली हम फर्स्ट क्वेश्चन को बना रहे हैं, जो हमसे पूछा है एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी का मतलब अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि F रहेगा सर, O का मतलब ब्रैकेट होगा, और ये G ऑफ X लिखेंगे। अब ये F सेम एज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर वाला का वैल्यू लिखेंगे। अब यहां देखिए G ऑफ X, GX कितना है सर, क्वेश्चन में गिवन है आपका x²+5, तो GX के प्लेस पे लिखेंगे x²+5। अब देखिए इसको समझिएगा, ये पूरा का पूरा एक की तरह इसको समझना है, क्या समझना है, fx, ये पूरा का पूरा एक सा सर। अब यहां देखिए क्वेश्चन में दिए हुए है कि अगर इसके अंदर x होगा तो उसको इस तरीका से लिखना है, क्या लिखना है, 2x+3, एक बार पकड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखिए यहां पे क्या है सर, यहां तो x है तो 2x+3, यहां x के प्लेस पे x²+5 है, तो जहां जहां x है उसके प्लेस पे ये पूरा का पूरा जाएगा, बाकी सेम है। तो fx = हमारा कितना दिया हुआ, 2x+3, तो यहाँ fx = क्या लिखेंगे, 2, और x के प्लेस पे हमारे पास है x²+5, ये साथ में जाएगा सर, और +3 है, +3। कोई दिक्कत समझने में कहीं, ये कैसे ये लिखे, जो भी x है x के प्लेस पे ये है सर, उसको नोट कर दिए, क्योंकि यहाँ 2x+3 है। क्वेश्चन का हेल्प करना, बस यही मेन था समझना,
कि कैसे कैसे चेंज करते हैं। अब क्या करेंगे, बस इनटू कर लेंगे, 2x² + 5 2 10 + 3 आंसर हो गया 2x² + 13। तो आपका f ऑफ g आ गया सर। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ के लिए क्या करेंगे सर, जी ऑफ एफ का मतलब हो गया जी ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स, यही होगा ना। अब एफ एक्स देखना सर, एफ एक्स कितना है जो भी ब्रैकेट में है, एफ एक्स हमारा 2x + 3 है, तो ये तो जी बाहर है, एफ एक्स के प्लेस पे 2x + 3। अब यहां देखिएगा फिर से क्या देखना है, ये जो 2x + 3 अंदर में है सर, 2x + 3 ये पूरे के पूरा x की तरह ट्रीट होगा। अब gx कितना है, gx को क्या लिखते हैं, जो भी यहाँ x है उसका स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ भी जो भी है सर उसका स्क्वायर प्लस 5 होगा gx के प्लेस पे, तो gx हमारा क्या है x² क्योंकि यहाँ x था, यहाँ जो भी होगा सर उसका स्क्वायर और प्लस 5 है तो 5। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक हो जाएगा, 4x² + 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2ab करेंगे, 3 2 6 6 2 12x + 5, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप और ऐड के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 4x² + 12x + 14, नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ एफ पूछ रहा सर। इसको हमने आपको लिखने के लिए सिखाया था, एफ ओ का मतलब ब्रैकेट होता सर और एफ का मतलब एफ एक्स, जो नेक्स्ट वाला होता है उसके साथ एफ एक्स आता है। अब यहाँ एफ तो है ही सर और यहाँ एफ एक्स है ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स, फिर से यहाँ जाना है, एफ एक्स इजिकल टू क्या है 2x + 3, तो एफ एक्स के प्लेस पे लिखाएगा 2x + 3। अब गौर करेंगे सर, क्या गौर करेंगे, फिर से आ गया एफ एक्स, लेकिन x देखिए इस बार ये पूरा का पूरा है सर और x ये पूरा का पूरा है और एफ एक्स इजिकल टू हम क्या जानते हैं, जो भी x रहता है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 3 लगते हैं। ये फंक्शन ऐसा दिया हुआ है कि जब x रहेगा तो उसको इस तरीका से लिखेंगे। यहाँ x क्या है सर, यहाँ x हमारा 2x + 3 है, तो इसको 2 के साथ इंटू करेंगे, 2 × 2x + 3 क्योंकि x हमारा इतना बड़ा है, 2x + 3 है तो प्लस 3 कर दिए। अब ये 2 से इंटू करेंगे, 2 × 4x + 3 × 6 + 3 ये हो गया 4x + 6 + 3 9, ये आपका आंसर हो गया सर f ऑफ f। सेम इसी तरीका से अगर g ऑफ g रहेगा सर तो हम लोग क्या करेंगे, इसको g o का मतलब ब्रैकेट हो गया सर और ये gx, यहां भी g और gx का मतलब क्या है सर, x² + 5। अब यहां पे x² + 5 को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जो भी इसके अंदर है ये पूरा का पूरा x की तरह ट्रीट करेगा सर और gx इजिकल टू आपका गिवन है x² + 5, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे gx इक्वल टू क्या होगा x² मेरा x क्या है सर x² + 5 होल को x कंसीडर करेंगे, तो ये x² + 5 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि जो भी x है उसका स्क्वायर प्लस 5। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा सर, a² + b² + 2ab 10x और प्लस 5 है लास्ट में ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x² + 10x + 30, नोट कर लीजिए। बनाओ तो एफ एक्स गिवन है 8x³, जी एक्स गिवन है x³, ऐसा फाइंड करने बोला है, फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f, बनाइए तो दो ही दिए, तो बना रहे प्रोसेस में है,
आप यहाँ गौर कीजिएगा। फर्स्टली सर एफ ओ जी निकालना, तो एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ ब्रैकेट ऑफ जी एक्स, ब्रैकेट ऑफ जी एक्स है सर, तो जी एक्स को देखना, जी एक्स कितना है हमारे पास, एक्स क्यू है सर, सॉरी एक्स टू द पावर क्यू रूट है, ऐसा 1/3 यही है ना। अब देखना है एफ एक्स, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो आया सर वो क्या है, एफ एक्स का सर, ये पूरा का पूरा एफ एक्स है, ये पूरा क्या हो गया सर, ये एफ एक्स, और एफ एक्स का मतलब क्वेश्चन में गिवन है 8x³। इसका मतलब क्या हो गया सर, कि इसका मतलब होगा कि 8 तो आएगा ही, और जो भी है उसका क्यू लिख देना है, तो जो भी है उसका क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स टू दी पावर 1/3 है सर, इसका क्यूब करेंगे तो पावर पावर के साथ इंटू होता है बाबू, तो क्या हो जाएगा 8 × x^3 × 3 कैंसिल हो गया सर, तो एक्स पे पावर 1 बच गया, ये 8x हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। सेम उसी तरीका से एक टाइप और है सर, वो क्या है, दूसरा पूछ रहा आपसे जी ऑफ एफ, इसका मतलब क्या होता है सर, जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स कितना गिवन है, एफ एक्स है 8x³, यही है ना। अब इसको फिर से देखना कि अब हमारे पास एक्स क्या है सर, ये पार्ट आपका एक्स हो गया पूरा का पूरा। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे जो फंक्शन गिवन है हमारे पास, जी एक्स इज इक्वल टू बोलता है जो भी रहेगा उसका क्यू रूट लिखना, जो भी रहेगा उसका क्यू रूट लिखना, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 8x³, इसका क्यू रूट क्या होगा सर, इसका क्यू रूट का मतलब 1/3, तो दोनों का 1/3 निकालेंगे ना, तो 8 का भी 1/3 निकालना होगा सर, और x³ का भी 1/3 निकालना होगा, तो अगर 8 का आप क्यू रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, अगर नहीं पता तो आप 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू, ये पता है, और 8q का मतलब हो गया 2 का क्यू का 1/3 आपसे पूछ रहा है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा सर और बच जाएगा 2, तो इस तरीका से हम समझे कि 8 का अगर क्यू पूछे तो क्या होगा 2, हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिखे क्योंकि इसका हिंट हम यहाँ दे चुके हैं। अब ये 8 का क्यू रूट 2 हो गया सर, और x³ पे यहाँ पे 1/3 इसका क्यू रूट होगा, तो 3 कैंसिल 2x हो जाएगा, होगा। अब किसी किन्हीं का आंसर सेम आ रहा था क्या, दोनों में कुछ डिफरेंस है, यस हाँ, तो आप नोट कर लीजिएगा, एक का आंसर होगा सर 2x, एक का आंसर होगा 8x। एक तो हुआ कि अब अगर आपसे पूछेगा तो आप बनेगा ना क्वेश्चन इस टाइप का। अब एक और टाइप है जिससे क्वेश्चन पूछता है, वो आपको इस टाइप से देगा, फंक्शन मैप कर रहा है, इस टाइप से देगा 1, 3, 4, ये मैप कर रहा जैसे देता है, हाँ फंक्शन मैप रियल नंबर टू रियल नंबर, यहाँ सेट के फॉर्म में देगा सर, 1, 3, 5 है और यहाँ 1, 2, 5 है, ये मैप कर रहा है दिस टू दिस। और एक और फंक्शन है सर जी, उसके बारे में दे रहा कि 1, 2, 5 मैप कर रहा है 1, 3 से, इस टाइप का दिया हुआ, दो फंक्शन है, एक फंक्शन इससे इसमें मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सेट एक्स है सर, ये सेट वाई है, ये सेट एक्स है सर, ये सेट वाई है, इस टाइप का हम समझ सकते हैं कि अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है सर, तो 1, 3, 4 इसका है और 1, 2, 5 इसका है, ये किसके लिए, एफ के लिए, जी के लिए एक और होगा सर सेम इसी तरीका का। अब हमको और क्या गिवन है इसमें, एफ दिया हुआ है आपका, इसका फंक्शन का रिलेशन दिया हुआ है 1, 2, 3, 5, ये क्वेश्चन में इस टाइप से गिवन रहेगा 4, 1, और एक अदर डेटा जी भी दिया हुआ है, जी का भी रिलेशन दिया हुआ है 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ और 5 का 1 के साथ। अब यहां फिगर से भी आपको क्लियर होगा एफ का 1 का 2 के साथ, देखो 1 का 2 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ
फोर का वन के साथ, फोर के वन के साथ है सर, है रिलेशन। सेम उसी तरीका से यहाँ वन टू फाइव है सर, और यहाँ वन थ्री है। तो देखिए वन का थ्री के साथ, वन के थ्री के साथ, टू का भी थ्री के साथ, और फाइव का वन के साथ, तो रिलेशन है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताएं कि ये क्या लिखा हुआ सर, एफ और जी ये रिलेशन दिए हुए की रिलेशन, ये जो हमारा मैपिंग हो रहा है। जैसे पहले क्या था, रियल नंबर का सेट ही दे देता था, रियल नंबर टू रियल नंबर, इंटीजर टू इंटीजर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। यहाँ कुछ खास एलिमेंट दिया हुआ है, उसके रिलेशन के बारे में पूछ रहा है, और आपको क्वेश्चन यहाँ से कैसे एराइज होगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा सर। तो यहाँ आपसे पूछेगा, क्वेश्चन है आपका, ये तो डेटा गिवन है, अब पूछेगा फाइंड जी ऑफ एफ वन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इस तरीका से फाइंड जी ऑफ एफ टू, थर्ड हो गया फाइंड जी ऑफ एफ थ्री, एफ वन एफ टू, वन मिनट, एफ वन एफ थ्री, क्योंकि थ्री है ना, और एक है एफ फोर, ये पूछेगा आपसे। और क्या पूछेगा, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी वन, एफ ऑफ जी टू, और एफ ऑफ जी फाइव। ये आपका क्वेश्चन है सारा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इसको फाइंड करना सर। अब इससे पहले आपको हम एक चीज सिखाएंगे कि ये जो एफ दिया हुआ सर, इसका मतलब कि ये क्या है। ये जो ऑर्डर पेयर है सारा, ये वन जो है एक्स फर्स्ट सेट से है सर, और दूसरा जो है वो सेकंड सेट से होता है, ये पता है ना आपको, क्योंकि अभी जस्ट आपको अभी हमने एरो डायग्राम के थ्रू सिखाया था कि वन टू, तो वन इस सेट से आएगा और टू इस सेट से होगा सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू होगा। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ वन पुट करेंगे टू देगा, एफ ऑफ थ्री पुट करेंगे सर तो फाइव देगा, एफ ऑफ फोर पुट करेंगे सर तो वन देगा, ये बोल रहा है। इसी तरीका से दूसरा डेटा एक और हमारे पास है जी वाला, वहां लिख लेंगे जी ऑफ वन इज इक्वल टू क्या होगा सर, थ्री, और जी ऑफ टू इज इक्वल टू क्या होगा सर, थ्री, और जी ऑफ फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, वन। अब जो हमसे पूछ रहा है, या फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो डेटा हमने कहां से लिखा सर, एफ और जी जो दो हमारे पास दिया हुआ था ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, वहां से हमने ये नोट कर लिया, ये आप भी नोट कर लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जी ऑफ एफ वन, जी ऑफ एफ वन का मतलब क्या होगा, हमने लिखने के लिए सीख गया है जी ओ का मतलब ब्रैकेट एफ ऑफ वन। अब एफ ऑफ वन कितना होता है सर, एफ ऑफ वन टू होता है, तो हम लोग यहां लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ वन के प्लेस पे टू। अब जी ऑफ टू कितना है आपका, थ्री है सर, तो इसका आंसर हो गया थ्री। सेम इसी तरीका से एक क्वेश्चन हम एफ ऑफ जी से निकाल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, सेम इसी तरीका से सारा क्वेश्चन आप बनाइएगा। एफ ऑफ जी वन को कैसे लिखेंगे सर, एफ ब्रैकेट में जी ऑफ वन, अब यहां पे एफ है, अब जी ऑफ वन देखना है, जी ऑफ वन हमारा थ्री है सर, थ्री। अब एफ ऑफ थ्री देखिए, एफ ऑफ थ्री कितना है, फाइव, ये फाइव इसका आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी रिमेनिंग को सोल्व कीजिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे कि कैसे ऐड किया जाता सर, और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो थैंक यू, गुड बाय सबको।